नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इस देश में अब और कितनी निर्भया। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में कानून तो है लेकिन लचीलापन होने की वजह से इस देश में लगातार लड़कियों को दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है। हाथरस की बेटी की अग्नि की चिता अभी शांत ही नहीं हुई कि इसी इलाके से एक और घटना देखने को मिली। बलरामपुर की एक और लड़की को दरिंदगी का शिकार बना दिया गया है। इस लड़की की मां की चित्कार आप सुनिए। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसके उसको ले गए उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए। हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची को रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कहिए मम्मी अम्मा जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल, संतोष डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले गए। फिर वो बोले कि किधर, लखनऊ ले जाइए या बलरामपुर ले जाए, बहुत सीरियस हो गई है। फिर तुलसीपुर अब मटेना के बीच में, सोनपुर के बीच में हमारे बच्ची का इस बार हो गई। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको अगली स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।